निकाय एवं पंचायत चुनाव के माहौल में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आगर मालवा जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने कांग्रेस को ओबीसी आरक्षण के प्रति समर्पित बताते हुए भाजपा और संघ पर ओबीसी आरक्षण समाप्त करने हेतु षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। तो वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी ने कांग्रेस को ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध काम करने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह ओबीसी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, उसके लिए कांग्रेस को पीढ़ियों तक इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। साफ है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में ओबीसी के भारी भरकम वोटों को देखते हुए कोई भी उनसे नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता है और प्रदेश में बदले हुए परिदृश्य में प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टी भाजपा और कांग्रेस अपने आप को ओबीसी का हितेशी बताते हुए स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनावों में अपनी अपनी पार्टी की नई अपार लगाना चाह रही है। लागू करने का काम किया था माननीय कमलनाथ जी की आज की घोषणा से स्पष्ट हो गया कि न सिर्फ निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी बल्कि आरक्षण समाप्त होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से ओबीसी वर्ग के अधिक से अधिक प्रतिनिधि निकायों में चुनकर आएंगे। सभी समाजों के साथ समानता का व्यवहार करना और सबको संविधान के मुताबिक अधिकार प्रदान करना कांग्रेस पार्टी की नीति का अभिन्न हिस्सा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को नई ऊँचाई देने के लिए माननीय कमलनाथ जी का जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत आभार, बधाई, धन्यवाद। भाई साहब, जैसे कि आपने आरोप लगाया है अभी कि भाजपा और संघ के द्वारा इस तरह का षड्यंत्र करके आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इनके साथ अन्याय किया जा रहा है, पर उसी जगह पे भाजपा और सीएम शिवराज सिंह कहते हैं कि पिछली बार वो 27% आरक्षण के साथ चुनाव करने जा रहे थे, पर आप पिछले दरवाजे से कोर्ट में चले गए और उसके चलते ये सारा मामला लटक गया। तो इस तरह के आरोप जो हैं कांग्रेस के ऊपर लगते रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान से प्रश्न करना चाहता हूं कि जब 15 साल शिवराज जी की सरकार थी तो 27% आरक्षण उन्होंने देने का काम क्यों नहीं करा? उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जब कोर्ट में गई, कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाने का कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य था कि 27% आरक्षण के आधार पर चुनाव कराया जाए। इन्होंने पिछले पंचायत चुनाव जो कि मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा था, उस चुनाव में पुराना परिसीमन को निरस्त करते हुए पुराना आरक्षण पे, जबकि पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, इनमें हर 10 साल में रोटेशन के आधार पर आरक्षण किया जाता है, इन्होंने रोटेशन के आधार पर आरक्षण ना करके 10 साल पूर्व का आरक्षण पर ही पंचायत चुनाव कराने का प्रावधान किया था। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कोर्ट गई थी, न कि 27% आरक्षण को निरस्त कराने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कमलनाथ जी ने तो 27% आरक्षण चाहे नौकरी में, चाहे राजनीति क्षेत्र में, चाहे हमारा युवा बेरोजगार हो उनको रोजगार मिले, ऐसे 27% आरक्षण युवाओं को देने का काम कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में आरक्षण लागू करने का काम किया था और आज भी कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत साफ है। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने कल भी पत्र लिखकर शिवराज सिंह जी से कहा कि आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए और उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करिए कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाए और ये प्रस्ताव लोकसभा में भेज दिया जाए प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करके और इस पर संविधान संशोधन किया जाए जिससे कि 27% आरक्षण का नियम पूरे देश में लागू हो सके। ओबीसी के आरक्षण के चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करें। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार है, तो केंद्र में सरकार है, इन सब ने स्पष्ट रूप से ओबीसी के आरक्षण के लिए अपना पक्ष प्रारंभ से रखा है। ओबीसी को आयोग को संवैधानिक अधिकार देने का पहली बार अगर किसी ने काम किया था तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके पूर्व में आज़ादी के बाद से कितनी सरकारें रही, उन्होंने आज तक ओबीसी के लिए कोई आवाज उठाई? केवल ओबीसी की बात करके वोट करवाना ही कांग्रेस का शरण रहा है और इस बार भी यही हुआ है। सरकार प्रदेश में चुनाव करना चाहती है, चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है, लोकतंत्र में हमारा पूरा विश्वास है। हमने चुनाव की तैयारी पहले भी जब की, आरक्षण के साथ चुनाव होने जा रहे थे, लेकिन तब कांग्रेस तोड़ गई थी,
कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग की पीठ पर छुरा भोंक करके नुकसान कर किया है, तो ओबीसी का अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, हम ओबीसी वर्ग के आरक्षण को अक्षुण्ण रखेंगे। अर्थात हम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य उठा करके जहाँ जहाँ भी ओबीसी वर्ग का प्रत्याशी जीत रही पोजिशन में होगा वहाँ उसे ही मौका देंगे, ऐसी पार्टी की प्रतिबद्धता है। हमने आराम से ओबीसी वर्ग का सम्मान किया है, मध्य प्रदेश के अंदर जिस संख्या और जिस अनुपात में ओबीसी वर्ग है हम मानते हैं कि सरकार के अंदर बहुत बड़ी भूमिका ओबीसी वर्ग की है। साथियों, कांग्रेस ने बार बार कांग्रेस के समक्ष ये जब घटना हुई तब भी उन्होंने कोई इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं दिया। आपको देखते होगा अभी तक भी उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है इस बारे में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पूर्व में भी गए बोर्ड के अंदर याचिका लगा थे कि ओबीसी के बिना हम चुनाव नहीं करा सकते, घोषणा भी क्यों ओबीसी के बिना पंचायत चुनाव नहीं होंगे। और अभी जब ये कोर्ट का निर्णय आया है तब भी हमने याचिका दायर की है, उधर विचार के लिए निवेदन किया है माननीय न्यायालय को, लेकिन चुनाव से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चुनाव अगर उसके बाद भी होते हम तैयार हैं। साल भर 365 दिन कसावट देती है, हम तो अभी अभी बूथ पर होके आए हैं, जिस बूथ के नीचे तक इकाई तक हमने उसको अपलोड करने का काम किया है, रजिस्टर करने का काम किया, तो कोई राजनीतिक दल कर नहीं सकता, उससे हमारी पूरी तैयारी हर समय रहती है। लेकिन फिर भी हमें मानते हैं कि ओबीसी के आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव अगर होते हैं तो ये आदेश पारित करेंगे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर आरक्षण को ओबीसी वर्ग को मौका देने में पीछे नहीं हटेगी। ओबीसी वर्ग का जहाँ जहाँ भूमिका है वहाँ पर सब पूरा रखा जाए। आगर मालवा से एहतिशाम खान की रिपोर्ट।